आत्मसमर्पण की मु गोली वाटी तो आत्मसमर्पण पई माओवादी मानको डाकरा दिया जाउची कारण फायरिंग हेबा पूर्वरु समस्त को गोटे चांस दिया जाए अपन देखुथबे सेई चित्र आ वर्तमान माओवादी माने फायरिंग करबा मध्य आरंभ कर देथिले उनी जहां सूचना मिलची अपन देखुथबे सेई चित्र किभळि भाबरे ऑपरेशन हुए जो दंतेश्वरी टीम रही केमी ऑपरेशन करे केमी माओवादी मानक काबूरे आने आउ सब बड़ कथा है प्रथम से माने आत्मसमर्पण पर डाकुं बर्तमान समस्ते एम्ब्रुस पोजिशन अच्छा माओवादी ऊपर पटु जिते आसुच्च दमन करने पोजिशन नि जाए आम सहित डीएसपी अच्छा मैडम ये क्या होता है कैसे करते हैं क्यों ये पोजिशन लेते हैं क्या करते हैं जैसे हमको सूचना मिली थी कि नक्सली यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो हम उनके लिए एक ट्रैप बनाए हैं कि अपन पहाड़ी को पूरे साइड से घेर चुके हैं एक उनके आने के साइड वाला जगह छूटा हुआ है तो वो जहाँ से आएंगे जैसे ही हमको मिलते हैं हम यहाँ से कमांड देंगे वो फायर करेंगे उन पर जी पहले उनको पे आह्वान करेंगे उनको कि आप सरेंडर हो जाएं करके अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं वो उनकी तरफ से अगर फायर आता तो उनको आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग करनी होती है मैम आत्मसमर्पण क्या मतलब कैसे करवाते हैं क्या करवाते हैं क्यों करवाते हैं अब तो फायरिंग भी मतलब शुरू हो जाएगा तो क्या क्यों करवाते हैं अभी जैसे ही हमें नक्सली दिखते हैं हम उनसे आह्वान करते हैं कि आप सरेंडर हो जाओ हम आपके साथ हैं हम आपको कुछ नहीं होने देंगे हम आपको समाज की मुख्य धारा में एक मौका देंगे जुड़ने का तो कैसे करवाते हैं वो पहले हम उनको बोलने की कोशिश करते बुलवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऐसे नहीं मानते क्योंकि उनकी विचारधारा ही कुछ अलग बनी हुई है अब हम उनको बोलेंगे एक बार कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए हम आपके साथ हैं अगर उनके तरफ से जवाबी कार्रवाई में अगर गोली की आवाज़ सुनाई दे तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए राइफल चलाना पड़ेगा बड़े कैडर होने की सूचना है कवर कीजिए पूरा पीछे से सामने की लाइन फायर करते रहे सामने की लाइन जवाबी कार्रवाई देते रहे